I'm Abhinandan Bharadwaj, and so today we have come here, Government Senior Secondary School Chewa, and we have with the principal ma'am. So ma'am, जैसे कि अभी सतन सनातन जी ने अभी नीचे स्पीच दी, बच्चों को सेंसिटाइजेशन दी, तो मैम आपको लगता है कि इस तरह की स्पीच से जो है बच्चों पर प्रभाव पड़ता है? डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। सत्यन जी तो बहुत अच्छे आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। आज उन्होंने नशा मुक्ति आंदोलन के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों को प्रेरित किया। अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं अपनी लाइफ के, कुछ प्रेरक प्रसंग बच्चों के साथ इन्होंने साझे किए हैं, तो कि बच्चों के लिए निसंदेह फायदेमंद रहेगा। बहुत अच्छे मैम। तो जैसे कि आज ये एक्टिविटी हुई, तो क्या आपके जो आपके स्कूल में आगे पीछे ऐसी एक्टिविटी चलती रहती है कि आप कभी कभी महीने में? नहीं, ऐसी एक्टिविटी चलती रहती हैं, एटलीस्ट वंस इन अ वीक तो ऐसा जरूर होता है कि हम मॉर्निंग असेंबली में जो हमारे जो करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर बच्चों के साथ बातचीत करें। तो मैम, इससे पहले भी क्या अभी आपके जो यहाँ पे कोई एनजीओ आई थी या कुछ नशे के प्रति कुछ स्पीच दी या कुछ सेंसिटाइजेशन दी है पहले भी बच्चों के लिए? जो नशे के ऊपर, वैसे तो ये स्वच्छता वगैरह के ऊपर तो होता रहता है, नशे के ऊपर अभी हमने बच्चों के पेरेंट्स में से ही एक पेरेंट को बुलाया था अभी मॉर्निंग असेंबली में, तो वो भी अपने एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ शेयर करके गए हैं। जो इस वार्ड मेंबर हैं, उनके वार्ड मेंबर के हस्बैंड आए थे यहाँ पे, उन्होंने बच्चों की काउंसलिंग की है, बच्चों को गाइड किया कि किस तरीके से हम अपने आप को नशे से दूर रख सकते हैं। बहुत अच्छे मैम। तो क्या अभी इससे पहले भी कभी आपके स्कूल में कोई ऐसा छात्र ऐसा कोई केस आया हो जो नशे में इन्वॉल्व हो? नहीं, अभी इस तरह का तो कोई केस नहीं है। धन्यवाद। तो ये थी हम प्रिंसिपल मैम, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे इन्होंने अपने विचार है जो साझा किए। धन्यवाद।